दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम वालों ने फ्रीज कर दिया है और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपका अकाउंट जो है बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली अनफ्रीज कर देगा एक या दो महीने के बाद, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ये मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ऐसी ही डिटेल्स हमारे पास आई है, किसी कस्टमर ने हमारे पास भेजी है जिनका बैंक अकाउंट लगभग 2 साल से फ्रीज है और इसके बावजूद उसकी जो एक्सपायरी डेट है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कितने ज़्यादा समय की है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। एक्सिस बैंक में एक बैंक अकाउंट है जिसको साइबर क्राइम वालों ने फ्रीज किया था और वो अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है, और वो कब ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा अनफ्रीज किया जाएगा मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज है और आप अपना चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आपको यहां पर जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहां पर अकाउंट सेक्शन में आना है। आपको जो अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस साइड में, जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है डैशबोर्ड के नीचे, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सर्विसेज वाले ऑप्शन में आ जाना है राइट साइड में। यहाँ पे आपको लास्ट वाली लाइन में आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे लीन लिंक अकाउंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो लीन लगे हुए हैं, 31 दिसंबर 2099 एक्सपायरी डेट। देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये ऑटोमेटिक इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी लीन। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से जो है अनफ्रीज हो जाएगा। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी क्या डेट चल रहा है, 2023 चल रहा है, और ये 2099 में जाके जो है अनफ्रीज होगा, तो तब तक तो शायद आप मर चुके होंगे। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि बैंक 2-3 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट को ऑटोमेटिक अनफ्रीज कर देगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 2 साल हो चुके हैं इस बैंक अकाउंट को, अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है। तो आप कोशिश करिए, बैंक वालों से संपर्क करिए, साइबर क्राइम वालों से संपर्क करिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।